पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में जिस प्रकार का माहौल है अभी टीवी पे, बहुत से बाहर के देशों में भी जिस प्रकार से दिखाया कि किस प्रकार से यात्राएं निकाली जा रही है, किस प्रकार से उत्सव मनाया जा रहा, तो ये कार्यक्रम जो है वो दुनिया के बहुत बड़े भाग में बहुत उत्साह के साथ मनाया जा रहा। और मैं समझता हूँ कि जिन महापुरुषों ने इसके लिए संघर्ष किया, अपने प्राणों की आहुति दी, तो आज बड़ी खुशी उन सबको, जहाँ भी वो होंगे, स्वर्ग में होंगे तो वहाँ महसूस कर रहे होंगे। और मैं अभी सोच रहा था कि एक टाइम वो था, टाइम है कि हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो अभी साध्वी ऋतंभरा जी और उमा भारती जी का चित्र दिखाया कि वो गड़े मिलीर बाहू गएगी, जिस टाइम ढांचा टूटा बिल्कुल यही चित्र था उस टाइम भी, लेकिन उस टाइम मोबाइल नहीं थे, किसी ने फोटो खींचा, यही चित्र था, हम बिल्कुल पास थे, वो ऊपर मकान के ऊपर थे, तो इसी प्रकार से वो उस टाइम भी इतनी भावुक थी वो। और आज उन्होंने बहुत संघर्ष किया, साधु तंबरा जी ने भी, स्वामी परमानंद जी ने भी, और भी बहुत लोग हैं महापुरुष, अडवाणी जी ने भी, अशोक सिंगल जी ने, बहुत लोग हैं ऐसे, हजारों हजारों लोग जिन्होंने बहुत संघर्ष किया, तो उन सबको भी बहुत बहुत नमन कि उनका ये जो प्रयास था सफल हुआ है, सबको बधाई सर। हाँ नहीं, अब ऐसा था कि जब ये दिखाया गया ना, तो शुरू में तो ज़्यादा ही भावुक हो गया था, जब शुरू में दिखाया गया, अब तो काफ़ी देर से देख रहा हमें नॉर्मल ही गया, तो होता ही ऐसा भी कोई होता है, सारे देश को ऐसे ही महसूस हो रहा है, मुझे नहीं महसूस हो रहा, मैं समझता हूँ जितने स्त्री पुरुष सब देख रहे हैं सब इसी प्रकार से भावुक है सर। नहीं बस बहुत अच्छा है, मतलब सबको शुभकामनाएं हैं, बधाई है सबको, बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि जो एक सोच थी, जो हमारे बड़े लोग जो हैं कह रहे थे कि 21वीं शताब्दी जो है वो भारत की शताब्दी होगी, तो मुझे ये मील का पत्थर दिखाई दे रहा, महसूस कर रहे हैं कि नए युग की शुरुआत है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।